प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो कंटेंट है उसको लेकर अब हम फिर से एक बार रफ्तार में आ जाते हैं। हम रीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्वालिफाई वाला मामला जो है वो हमारा क्लियर है। हमें विश्वास है कि हम क्वालिफाइड तो आराम से हो ही जाएंगे। अब हमें फिर से वापस एक बार हमारे जो सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है और फर्स्ट ग्रेड का, दोनों ही का, तो ये जो कंटेंट है जो अपन ने बीच में छोड़ा था, ठीक है, मैं वहीं से वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने जो परिक्रमण गणनाकृतियों के आयतन लिए थे, सारे आयतन और उसका थ्योरी और उसके जितने भी जो मेन मेन कर्व थे उन कर्व को लेकर के, और मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, आप पीछे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। और अभी वाला जो पार्ट है मेन, इसके अंदर देखिए चापकलन, क्षेत्रकलन, परिक्रमण घनाकृतियों के आयतन, ठीक है, ये तीन चीज़ें इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंदर थोड़ा सा प्रसाद जितना तो दे रखा है 12th क्लास में, तो उसका भी अपने क्वेश्चन बनता है। और यही चीज़ आगे जा कर के, और ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट है उसके अंदर है, तो मैं ग्रेजुएशन वाला पार्ट अभी ले रहा हूँ। वो वाला 12th तक का मैं करवा चुका हूँ। आप आराम से CMPC यूट्यूब चैनल बाई KLP सर के नाम से सर्च करके आप प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ मैंने उसके अंदर बिल्कुल निःशुल्क आपको उपलब्ध करा रखा है। बस आप चैनल पर जाएँ और आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। अभी जो टॉपिक है परिक्रमण घनाकृतियों का आयतन, जो मैं इसके जस्ट पहले ले चुका हूँ, और इस बीच मैंने जो खास खास कर्व थे उनके डायग्राम कैसे बनते हैं और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक बेसिक जानकारी वो मैंने आपको दी है इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर के अंदर। और आज वाला जो है वही चीज़ है परिक्रमण घनाकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कोई एक प्लेन है या कोई एक रेखा है और या कोई कर्व है, कर्व का कोई पार्ट है, वो पार्ट किसी एक, चाहे वो x अक्ष के अबाउट हो या फिर y अक्ष के अबाउट हो, या तीसरी कंडीशन x = k, कोई भी लाइन हो x = k, इनमें से तीन कंडीशन बनती, इन तीन में से किसी के भी अबाउट अगर वो रिवॉल्व करे तो जिससे जो परिक्रमण घनाकृति बनती है हम उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके अंदर ज्ञात कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखें, मैंने यहाँ जो खास बात ली, हमारा जो कर्व है ये y = fx कर्व है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं इधर से सेम अगर मैं रिवॉल्व कराऊँ, इस x अक्ष के अबाउट रिवॉल्व कराऊँ, तो देखिए ये इस तरीके से आपके एक कोण की तरह एक परिक्रमण घनाकृति बनेगी। और इसका आयतन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब इसके अंदर अपन ले रहे हैं क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व हमारा कार्टेशियन है y = fx के फॉर्म में, और x = a से x = b के बीच का पार्ट हम लेते हैं, ठीक है। सभी कर्व के अंदर हम यही बात देखते हैं, नया कुछ भी नहीं है। अब मैंने यहाँ लिया है वक्र y = fx के x = a और x = b, है ना, इसके मध्य जो आर्क है चाप, यानी कि आर्क के x अक्ष के परितः परिक्रमण करने से जो एक ठोस घनाकृति जनरेट होती है उसका सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लेते हैं, तो वो क्या होगा s = a/b 2πyds। ध्यान देना 2πyds, अगर आप ध्यान से देखें तो y भी अपने आप में एक डिस्टेंस का काम कर रहा है, s भी अपने आप में चाप की लंबाई जो डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल। तो इसको मैंने आगे, क्योंकि ds दे रखा है, तो मैंने इसको कैसे लिख दिया 2πyds/dx/dx। अब हम इन सभी की वैल्यू हम कर्व से ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पुट करेंगे तो, और फिर उसका लिमिट a और b जो भी कर्व होगा उसका हम ये जो लिमिट को डिटरमाइन कर लेंगे, निर्धारित कर लेंगे। मैंने हर कर्व की बता रखी आपको पीछे वाले वीडियो में, आप लिमिट ले लें और फिर इसमें रख करके आप सोल्व करें, आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा।
अब इसके अंदर कुछ स्पेशल केस वाई इक्वल टू यानी कि वाई एक्सेस के परितः परिक्रमण, यानी यही अगर कर्व इस प्रकार से हो और ये वाई एक्स के परितः अगर अबाउट रिवॉल्व करे तो उस केस में इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा एस इक्वल टू सी टू डी टू पाई एक्स डी एस, और यहाँ हम फिर इसमें डी वाई से डिप्लाई मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा वाई की फॉर्म में आएगा और हम उसका वाई के रिस्पेक्ट सी और डी लिमिट के अंदर इंडिकेशन कर देंगे, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर कॉरोलरी फर्स्ट और कॉरोलरी सेकेंड जो खास तौर से काम आती है ये हमारे है पोलर फॉर्म आर इक्वल टू एफ थीटा। अगर आपका ये कर्व जो है इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करे, अब इसमें इनिशियल लाइन कौन सी होगी, आरंभिक रेखा जो एक्स अक्ष का पॉजिटिव पार्ट है धनात्मक भाग, ये ही पोलर फॉर्म के लिए आपके इनिशियल लाइन या आरंभिक रेखा कहलाती है। तो इस आरंभिक रेखा के परितः परिक्रमण करने पर एस इक्वल टू थीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा टू बीटा टू पाई आर साइन थीटा, और यहाँ आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो वैल्यू है मैंने चाप कलन वाला रेक्टिफिकेशन वाला पूरा पार्ट अलग से करवा रखा है और उसके अंदर मैंने डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू ये बता रखी है, ये उससे अपने को वैसे भी याद रखनी है क्योंकि रेक्टिफिकेशन मैंने इसके अंदर है ही सिलेबस में, तो हम उसको भी याद रखेंगे। और ये जैसे यहाँ डी एस बाई डी एक्स डी एस बाई डी वाई वैसे ही यहाँ डी एस बाई डी थीटा था, ठीक है ना, ये डी थीटा से डी थीटा का डिवाइड मल्टीप्लाई किया है ना तो वो डी एस बाई डी थीटा बन गया और इसकी वैल्यू यहाँ पुट की है, ठीक है। बस अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर लें आर की, इन सभी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपने को और हम एरिया निकाल सकते हैं। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा इतनी सारी वैल्यू पुट करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे क्या पता इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो पाया नहीं पाया। देखिए आपको बता दूं कि इससे जुड़े कर्व इतने फिक्स है कि आपको उन कर्व से बाहर नहीं जाना है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं उसके अंदर मैंने 15-20 कर्व दिए हैं, ठीक है। वैसे तो आपको उन कर्व से बाहर जाना ही नहीं है, वही कर्व चाप कलन में वही कर्व क्षेत्र कलन में और वही कर्व वॉल्यूम के अंदर आयतन के अंदर और वही प्रक्षेपित बल के अंदर, चारों में अपन वही कर्व लेंगे। वहाँ मैंने 20 कर्व दिए लेकिन एग्जाम में आपको और उससे कम कर लेने हैं, आपको 10 कर्व प्रिपेयर कर लेने हैं जो मैं और जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो उसके बारे में और ब्रीफ बताऊंगा आपको रिवीजन के टाइम में। तो एक बार आपको इतना करने से आप आराम से कर सकेंगे, यहाँ कोई भी भारी टॉपिक नहीं आएगा इसके अंदर। फिर आता है कॉरोलरी सेकेंड, इसके अंदर जो एक्स इक्वल टू साई टी वाई इक्वल टू फाई टी यानी कर्व जो है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन में हो प्राचलिक फॉर्म में हो, जैसे एक्स इक्वल टू ए साइन टी वाई इक्वल टू ए कोस टी या पैराबोला के सबके होते हैं, तो उसके अंदर आप एस इक्वल टू लिमिट टी वन टू टी टू लेंगे और टू पाई एक्स, और यहाँ पर आप देखें ये डी एस बाई डी टी की वैल्यू इसके अंदर रखी है डी एस बाई डी टी, वास्तव में ये सभी के यहाँ टू पाई एक्स डी एस था, ये 2πxyds 2πxds, तो सब में हमने जहाँ थीटा में बदलना था तो ds बाई डी थीटा किया और थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ t में है तो यहाँ ds बाई dt करेंगे और ये ds बाई dt की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कर्व बिल्कुल सिंपल आएगा, उस सिंपल कर्व को ही आपको यहाँ रखना है ताकि आपको डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में ज़्यादा देर नहीं लगे, जो बेसिक चीज़ें हैं वो ही आपको करनी है और इन फॉर्मूलों को यूज़ करके और आपको किसी भी परिक्रमण घनाकृति का आयतन ज्ञात करना है, बिल्कुल सिंपल है। आप आराम से जो भी कर्व होगा उसको आप जरा सा एक बार उसको आइडेंटिफाई करें और आपको देखना कि वो पोलर फॉर्म में है या वो पैरामेट्रिक में है या वो कार्टेशियन में है, जिसमें भी हो आप इसमें पुट करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी परिक्रमण घनाकृतियों के आयतन के बाद जो थ्योरी लिए और थ्योरी पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्ज़ाम में वो हम लेते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन लिया है एस्ट्रॉयड
दो बटा तीन मतलब एक्सट्रॉइड एक्स पावर 2.3 प्लस वाई पावर 2.3 इक्वल टू ए पावर 2.3 के एक्स अक्ष के परितः रिवॉल्व करने से जो जेनरेट ठोस आकृति है उसका क्षेत्रफल निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना, सबसे पहले बात तो इस कर्व को जब भी दिया जाए तो आपको इसको एक तो इसका डायग्राम पता हो, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, डायग्राम में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये वाला डायग्राम है, इसका एक सर्कल की तरह है, लेकिन सर्कल में सप्तर्फ रेडियस सेम होती है। ये थोड़ा, ये जो डायग्राम है ये अंदर बन गया है, ये सर्कल नहीं होकर के ये दब गया है। ठीक है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और अगर इसको अपन साइन कोस में लेते हैं तो डबल करके और लिमिट जीरो से पाई बाई टू कर देंगे। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो इस कर्व को लेंगे हम वो इस रूप में लेंगे, ए कोस क्यूब टी और y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। हम इस कर्व को पैरामेट्रिक में लेंगे ताकि बहुत इजी हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया। तो अब इसके अंदर क्या है, जो कुछ दे रखा है, सीधी सीधी हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला है एस इक्वल टू 2π, और यहाँ हम जो ले रहे हैं अगर हम x के रेस्पेक्ट ले या किसी के भी रेस्पेक्ट ले, जैसे मान लो ये y है, और अब यहाँ पर जो अगर अपन लेते हैं ds, ठीक है ना, सबसे पहले ये था, अब यहाँ मैं इसको क्या कर रहा हूँ 2π y, और ds इसको मैं ले रहा हूँ ds by dt और ये dt। अब यहाँ पर s इक्वल टू, अब यहाँ देखिए, मैं पहली बात तो लिमिट अभी तक नहीं डाली मैंने, मैं लिमिट जीरो से पाई बाई टू ले रहा हूँ, तो इसके लिए मैं, क्योंकि लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, तो इसको मैं डबल करके और लिमिट जीरो से पाई बाई टू ले रहा हूँ, और यहाँ पर ये एज इट इज़ 2π y, और y की जगह मैं ले लेता हूँ ए साइन क्यूब टी, और डी एस बाई डी टी जो होता है आपको पता होगा ये डी एक्स अपॉन डी टी होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी होल स्क्वायर रूट। तो हम इसके अंदर पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि यहाँ पुट करने में ठीक रहेगा। तो ये आपके डी एस बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो ये क्या आएगा आपके, माइनस का 3a कोस स्क्वायर टी साइन टी होल स्क्वायर प्लस इसका आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी और इसका भी होल स्क्वायर। आप इधर रूट लगाएं भले, तो भले आप इधर स्क्वायर लगा लें, तो ये हो जाएगा आपके, देखो 3a स्क्वायर और 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके 9a स्क्वायर, और अंदर से आपके जो कॉमन आ रहा है वो आप देख लें, साइन टी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ रहा है, तो आप इसके अंदर कॉमन ले लेंगे साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, और अंदर जो बच रहा है देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ले लिया, तो वास्तव में ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ कॉस 4 है, तो कोस स्क्वायर बाहर आ गया आपके। ठीक है, भले इसको अपन पूरा कर लेते हैं सिस्टम से, क्योंकि इसका होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्योंकि इधर जो स्क्वायर लग रहा है तो मैंने इसको इधर ही रूट हटा दिया है, तो यहाँ देखो 9a स्क्वायर और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बाहर ले लिया, तो अंदर जो बच रहा है आपके वो बन रहा है साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, ये आप देखें यही बनेगा अगर अंदर लेंगे, तो ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर साइन 4 इसका, और ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कोस 4 साइन स्क्वायर टी पहला टर्म आ रहा है, तो इससे आप ये तो आप डी एस बाई डी टी रहने दें होल स्क्वायर में, और अब इससे आप अगर डी एस बाई डी टी निकालते हैं तो देखिए ये तो हो गया 1 और ये बनेगा 3a साइन टी कोस टी, ये बन जाएगा, और ये वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या बना,
थ्री है साइन टी कॉस टी और डी टी। बस देखिए थ्री बाहर आ जाएगा, ये फोर और ये ट्वेल्व पाई ए स्क्वायर जीरो टू पाई बाई टू और ये हो जाएगा साइन क्यूब और फोर टी और कॉस टी डी टी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो गामा फंक्शन है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गामा फंक्शन वो होता है ज़ीरो टू पाई बाई टू साइन पावर एम थीटा कोस पावर एन थीटा इक्वल टू एम प्लस वन अपॉन टू गामा एन प्लस वन अपॉन टू गामा अपॉन टू और एम प्लस एन प्लस टू अपॉन टू पूरे का गामा। ये फॉर्मूला अपने गामा फंक्शन को अच्छी तरह से हम इसको समझ लें तो उस केस में हमारे ये बनेगा 12 पाई ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके देखो m तो हो गया 4 n हो गया 1 तो ये क्या हो जाएगा m प्लस 1 बाई टू मतलब 4 प्लस 1 यानी कि 5 बटा 2 और ये 1 और 1 2 बटा 2 यानी कि ये हो जाएगा। अब नीचे 2 और m प्लस n प्लस 2 यानी कि 4 और 1 5 5 और 2 7 बटा 2 गामा हो जाएगा। ठीक है अब इसको आप इसको इससे काट दें तो ये हो जाएगा 6 पाई ए स्क्वायर और 5 बटा 2 जो है मैं आपको बता चुका हूँ 3 बटा 2 1 बटा 2 रूट पाई और फिर इसके अपॉन में 7 बटा 2 है तो ये 5 बटा 2 3 बटा 2 1 बटा 2 और रूट पाई। रूट पाई मतलब गामा हाफ का मतलब होता है रूट पाई, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी तो जो तरीका है अपन जानते ही हैं गामा एन प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल एन हो जाता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद रखने हैं, इन्हीं को मैंने यूज़ करके इसके अंदर अप्लाई किया है। तो आप देखो ये जो टर्म है वो दोनों कैंसिल, ये कैंसिल और आपके पास में जो बच रहा है टर्म वो क्या हो जाएगा 6 पाई ए स्क्वायर और ये दोनों ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा तो फाइनली आपके आंसर आया है वो 12 बटा 5 पाई ए स्क्वायर, ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमें प्रोसेस पता है तो देर लगेगी नहीं आंसर निकालने में। ठीक है बिल्कुल सिंपल सा काम है। यही एस्ट्रॉयड, इसी एस्ट्रॉयड का मैंने परिक्रमण घनाकृति का आयतन निकाला है पिछले वाले वीडियो में, इसी का मैंने संपूर्ण चाप की लंबाई निकाली है ध्यान देना और इसी का मैंने क्षेत्रफल भी निकाला है। जो क्षेत्रफल वाला वीडियो जो था अलग लेक्चर उसके अंदर मैंने अलग अलग टर्म में अलग अलग काम किया, चारों ही काम कर लिए मैंने इसके लिए। यानी कर्व एक है उसी कर्व की चाप की लंबाई, उसी कर्व का आयतन, उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी में चाप की लंबाई, ये जो चार चीज़ें आपको हर कर्व में ध्यान रखनी है तो ये अपने हमारा सही आंसर इसके अंदर आ जाएगा। एक और मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वक्र एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन थ्री टी क्यूब, इसके एक लूप द्वारा एक अक्ष के परितः अगर इस आकृति को रिवॉल्व कराया जाए तो उस केस में जो ठोस घनाकृति जेनरेट होती है उसका आपको देखिए आयतन नहीं, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी है, आयतन वाला मैं करा चुका हूँ, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके अंदर क्योंकि ये कर्व मैं पहले अच्छी तरह आपको मेंशन कर चुका हूँ, आयतन वाले पार्ट के अंदर भी मैंने इसको लिया था और चाप कलन भी लिया था और इसको मैंने अलग से भी मेंशन किया है, तो ये ओरिजिनल कर्व जब इनको टी से अगर इनका विलोपन किया जाए, टी को अगर एलिमिनेट किया जाए तो ये कर्व 9y² इक्वल टू एक्स 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है ध्यान रखें आप, और इससे जो कह रहा है लूप बनता है, लूप वो इस तरीके से बनता है ये वाला लूप। ठीक है ये आपके एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू थ्री आपको ध्यान रखना होगा और इसके लिए कह रहा है कि ये एक्स अक्ष के परितः अगर ये रिवॉल्व कराया जाए
तो ये जो एक ठोस आकृति बनेगी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लेते हैं। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल लेने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, जो फॉर्मूला हम जानते हैं हम वही लेंगे 2πy, और इसको हम ds लेते हैं तो ये ds by dt और ये dt कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो y की वैल्यू तो हमारे पास में ये है, और उसके बाद में अभी मेरे को ds upon dt अलग से निकालना है। तो देखिए ds upon dt इक्वल टू, आपको पता है ये होता है dx upon dt होल स्क्वायर dy upon dt होल स्क्वायर। अब dx upon dt यानी इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा आपके 2t होल स्क्वायर। dy upon dt तो ये इसका हो जाएगा t का, तो देखिए 1 माइनस, और t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर, यानी कि ये ओनली t स्क्वायर रह जाएगा। 3t स्क्वायर तो 3 आगे आएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो ये t स्क्वायर बन जाएगा और इसका होल स्क्वायर। मैं एक काम करूँ, बार बार रूट लगाना पड़े, मैं इसको इससे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर और 1 माइनस 2t स्क्वायर और ये t4। तो ये क्या बन गया, आप ध्यान से कर देखें, तो ये एक तरह से t4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, यानी कि t स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, मतलब आपके ds by dt जो बना वो t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये जो टर्म आएगी 2π, और y की जगह हम लिख देते हैं t माइनस 1/3 t क्यूब, और इस y की जगह, और ds by dt आपके हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर और ये dt। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये 2π मैं बाहर ले लेता हूँ, और इसका अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो देखिए, पहले t से करें तो t और प्लस t क्यूब, फिर इससे करें तो माइनस 1/3 t क्यूब, और फिर इससे करें तो ये आपके माइनस का 1/3 t 5 बन जाएगा, और ये बाहर dt जो है वही, तो ये 2π, और यहाँ देखो ये दोनों सोल हो जाएंगे, तो 3 में से 1 गया, तो ये आपके t प्लस 2/3 t क्यूब, और ये माइनस का 1/3 t 5 dt बन जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है लिमिट की, जब आपके अंदर इसके अंदर x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 3 तो आप देखो कि t इक्वल टू √3 हो जाएगा। फिर इसके अंदर ये जो है ये चीज़ क्लियर हो गई लिमिट। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो ये आपके 2π, और लिमिट अपन यहीं से ही कर लेते हैं t की √3, ऊपर चाहे लिख सकते थे, तो 0। अब आप एक काम करें, इसका इंटीग्रेशन कर लें, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर by 2/3 t 4/4 माइनस 1/3 t 6/6 और लिमिट 0 टू √3 हो जाएगा। यहाँ आप ये बाहर ले लें तो आप देखें कि ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको √3 पुट करना है, और यहाँ कितना इजी काम हो गया, देखो स्क्वायर 4 और 6 आ रहा है, तो यहाँ मैं इसको 1/2 कर दूँ, ठीक है, और टी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 3। यहाँ 2 से ये कटा 2 टाइम्स, तो ये 1/6 बनेगा, और टी 4 यानी कि √3 का पावर टी 4, एक तरह से टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1/18, और यहाँ 3 देखो टी स्क्वायर है ना इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर की होल पावर 3, तो √3 पावर 3, तो ये इसके अंदर क्या बना आपके
इसके अंदर टी जो है रूट थ्री रख करके आर पावर सिक्स कर लें, ठीक है। तो भले इसको आप ऐसे कर दें, टी थ्री और होल पावर, या एक काम करें यहाँ क्यूब कर दें और यहाँ कर दें, और टी स्क्वायर होता है थ्री और पावर थ्री, तो ये आपके कितना हो गया 27। बस हमारा काम हो चुका। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 3π, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ये आपके इसका 3π आंसर आ जाएगा, यानी ये वो कर्व है जिसका अपने को अगर एक्स अक्ष के अबाउट अगर इसको रिवॉल्व कराते हैं और इससे जो घनाकृति बनती है उसका सरफेस एरिया 3π स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन भी कोई बहुत भारी नहीं है, बेसिक चीज़ें लेते हैं अपन फटाफट कर सकते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा देर लगेगी नहीं। तो ये आपके आयतन वाला पार्ट मैंने पहले वाले में करा दिया, और इसी कर्व का मैंने आपको सरफेस एरिया भी आपको बता दिया, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी मैं पहले जो ट्रैक्टिक्स वाला जो कर्व बता चुका हूँ आपको, उसका कर्व कैसा होता है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, और इसके अंदर जो पूछा है वही सेम चीज़ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो ट्रैक्टिक्स है, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए कोस टी प्लस हाफ ए लॉग टेन स्क्वायर टी बाई टू और वाई इक्वल टू ए साइन टी, ठीक है। ये जो ट्रैक्टिक्स है, इस ट्रैक्टिक्स का जो डायग्राम बनता है आपको पता होगा, मैंने पहले बता रखा है, ओरिजन एक्स, एक्स डेज वाई, वाई डेज, और ये जो कर्व चलता है इस प्रकार से, यानी इसका एक सक्सेस जो है वो उसका एसिम्प्टोट बन जाता है, ये एक सक्सेस इसका एसिम्प्टोट यानी कि अनंत स्पर्श बन जाएगा, और इसके अंदर इस एसिम्प्टोट, इसने कहा है कि इस ट्रैक्टिक्स को इसकी खुद की एसिम्प्टोट के अबाउट रिवॉल्व कराया जाए तो इससे जो ठोस घनाकृति बनती है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर हमें ये एरिया फाइंड करना, मतलब सॉरी, इसका पूरा जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल है बनेगा वो निकालना है। हमारे पास कर्व दे रखा है और कर्व सीधा सीधा आप देख लें ये अपने पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो यहाँ जो हम एरिया फाइंड करेंगे उसके लिए आप देखें 2π y ds, ये एक ओरिजिनल फॉर्मूला है, और हम इसको जो लेते हैं वो चलो मैं 2π तो बाहर ले लेता हूँ, और अब यहाँ y अपनी जगह ds by dt और ये dt। अब यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो ds by dt क्या होता, ds by dt मैं इधर स्क्वायर लगा लेता हूँ, ये dx by dt होल स्क्वायर प्लस dy by dt होल स्क्वायर हो जाएगा। अब dx by dt हम पहले निकालें, तो अगर हम चाहें तो पहले dx by dt अलग से निकाल लेते हैं, ठीक रहेगा, क्योंकि dy by dt तो बहुत इजी काम हो रहा है। देखो dx by dt इक्वल टू हो जाएगा माइनस का a साइन t, और ये 2 log 10 स्क्वायर t by 2, तो ये 2 जो है आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली a बचेगा, तो प्लस और a और 1 upon 10 t by 2, फिर 10 का होता है sec स्क्वायर टी बाई टू और ये 1/2, यानी ये हो जाएगा एक तरह से माइनस ए साइन टी प्लस ए अपॉन साइन टी बन जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करेंगे, मैं पहले करा चुका हूँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए और 1 minus sin square यानी कि cos स्क्वायर, तो ये बनेगा cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये आपके dx by dt आ जाएगा। तो मैं इसमें इसकी जगह ये पुट करूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos 4t अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस, और dy by dt इसका कर लें आप डायरेक्ट, तो ये a स्क्वायर cos स्क्वायर टी बन जाएगा। आप इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लें
और क्या कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर टी भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, यानी कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। तो आपके ये डी एस बाई डी टी जो बना वो क्या बन जाएगा, एक कोस टी, ये आपके डी एस बाई डी टी आ गया। बिल्कुल सिंपल काम। देखो अब हम इसके अंदर ले लेते हैं 2 पाई, और ध्यान से अगर हम देखें तो y तो हो जाएगा a और sin t, और ये हो जाएगा a cos t dt, ठीक है। अब मैं आता हूँ लिमिट की। तो देखिए लिमिट पाई टू पाई बाई टू या 0 से π/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरा रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसको डबल करके 0 से π/2 कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमारे ये पहले मैंने डबल किया, ठीक है, ये 2π पहले का और 0 से π/2 और ये ए स्क्वायर। और देखिए यहाँ इसके अंदर नीचे आपके जो साइन टी बच रहा था, तो ये साइन टी बचेगा नीचे इसके अंदर, तो उस केस में हमारा काम और इजी हो जाएगा साइन टी। तो ये ए स्क्वायर क्या बना, ओनली कोस टी डी टी। तो देखिए ये बन जाएगा 4π ए स्क्वायर, और कोस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, लिमिट 0 से π/2, तो ये 4π ए स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल देखो एक एक स्टेप्स जो है मैंने ले ली है, कहाँ क्या क्या चाहिए होता है, और सारी चीज़ें हम जानते हैं पहले से, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये साइन π/2 माइनस साइन 0, दिस इम्प्लाइज 4π ए स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो 4π स्क्वायर यानी कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर विच रेडियस इज ए, ठीक है ना, ए रेडियस वाला, ए त्रिज्या वाला कोई गोला, उसका क्षेत्रफल अपन जानते हैं 4π r² होता है, 4π a² होता है। तो ये देखो वही चीज़ है ये आंसर में, ठीक है। तो ट्रेक्ट्रिक्स ये वो कर्व है, ठीक है, जिसका चापकलन क्षेत्रकलन मतलब रेक्टिफिकेशन है ना, चाप की लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम चारों ही निकाल चुके हैं। इसका एक सिस्टम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये जो ट्रेक्ट्रिक्स का एक बात मैं फिर से रिवाइज करना चाहूँगा कि जो x = ये दे रखा है, इसमें dx/dt अगर निकालेंगे तो आपके ये हमेशा यही बनेगा माइनस ए साइन टी, और इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में ये ए अपॉन साइन टी बन जाएगा, क्योंकि ये 2 sin, ये 2 नहीं जा रहा, 2 sin t/2 cos t/2 बनेगा, है ना, साइन 2x वाला फॉर्मूला, तो उससे ये साइन टी बन जाएगा। तो इसका इधर क्रॉस में किया तो ये 1 - sin² बनेगा cos स्क्वायर, और ये cos² / sin t। तो ये वैल्यू अगर आप है ना थोड़ा अगर याद भी रख लें, क्योंकि मैंने लगभग हर कर्व में यानी कि हर पार्ट में किया, चापकलन में, क्षेत्रकलन में, चाप के मतलब अपने उसमें आयतन में, सब में ये काम किया है, तो आपको ये दिमाग में फिक्स हो जाने चाहिए ताकि यहाँ वैल्यू पुट करने में ज़्यादा देर नहीं लगे। जैसे अभी मैं यहाँ चूक गया था अपॉन साइन में, डायरेक्ट स्टेप कर रहा था, चूक गया था मैं, तो क्योंकि वहाँ डायरेक्ट भी करनी पड़ेगी, आपको टाइम इतना नहीं मिलेगा, तो डायरेक्ट भी करनी पड़ेगी, तो स्टेप्स का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मुझे ये याद कैसे आया, मेरे तो क्या कि यहाँ पर भी एक स्टेप भी मुझे स्टेप टू स्टेप भी दिमाग में रहती है, जब मैं बार बार चीज़ों को करता हूँ करवाता हूँ तो स्टेप्स, तो मुझे यहाँ आइडिया लग गया था कि यार यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, यहाँ ये कर्व इस तरीके से नहीं आना चाहिए, एक एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है ना। तो इस तुरंत मैं वापस गया पीछे, तो देखा कि यहाँ पर ये साइन टी बच गया था मेरा, तो मैंने उसको यहाँ पुट किया और ये साइन से साइन कैंसिल, खाली कोस बचा, कोस का इंटीग्रेशन किया, और ये आंसर, ये इसका तरीका होगा। अगला जो कर्व है वो आपका कार्डियोड है, यानी कि पोलर फॉर्म, ठीक है, r = a1+cos θ है कार्डियोड, और इससे जो घनाकृति बनती है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना, जबकि ये अपनी इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करे, ठीक है। कर्व मैंने पहले ही बता रखा आपको, ये इस तरीके से होता है, और इसके अंदर P कोई r थीटा पॉइंट ले लिया है, ये आपका PM है, और इसके लिए जो एरिया होता है 2π PM dS, ठीक है। अब आपको पता होगा 2π PM यहाँ पर r sin θ होगा, कहाँ से, यहाँ से निकाल लिया PM,
आर साइन थीटा है ना, ये आपके आर साइन थीटा और ये आपके हो जाएगा आर कोस थीटा, भले आप इसको इधर ले लें ये वाला, तो ये इससे बन जाएगा और डी एस को हम लिखेंगे डी एस बाई डी थीटा और ये डी थीटा। अब यहाँ पर हम डी एस बाई डी थीटा जो निकालेंगे, आपको पता होगा आर स्क्वायर प्लस डी थीटा बाई डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, ये आपको पता होगा। तो इसके अंदर स्क्वायर इधर लगा लिया मैंने, अब यहां आर स्क्वायर का मतलब तो हो गया ए स्क्वायर इंटू वन प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, यानी ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है इसको अपन अगर कन्वर्ट करें तो ये ए स्क्वायर और यहाँ वन प्लस कोस जो थीटा है, आप अगर चाहें तो इसको बाई टू में कन्वर्ट कर लें और भले आप इसमें प्लस में इसी में रखें तो ये क्या हो जाएगा सोल्व कर लें, चलो वन प्लस टू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये ए स्क्वायर कॉमन और ये हो गया वन, तो ये टू भी बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा वन प्लस कोस थीटा, यानी कि टू ए स्क्वायर और ये टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, यानी कि ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, मतलब आपके डी एस बाई डी थीटा जो आया है वो आ जाएगा टू ए कोस थीटा बाई टू। सीधी सी बात, बस अब आप इसके अंदर पुट करें, ठीक है तो ये टू पाई आर और आर की जगह आप वापस वही पुट करेंगे, ये ए इंटू वन प्लस कोस थीटा साइन थीटा और इसकी जगह जो आएगा डी एस बाई डी थीटा वो टू ए कोस थीटा बाई टू और ये डी थीटा। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो टर्म्स आई है, देखिए आर साइन थीटा हो गया डी एस बाई डी थीटा, ठीक है इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम यहाँ लिमिट की बात करें तो लिमिट यहाँ पर जो भी आएगी वो यहाँ देखिए, अगर आप जीरो से पाई करें, जीरो से पाई और फिर डबल कर दें तो ये हो जाएगा, डबल तो ये कर दिया ठीक है टू पाई ए, ठीक है और एक टू ए, तो ये दो दूनी चार पाई ए स्क्वायर और ये जीरो से पाई और यहाँ बन रहा है वन प्लस कोस थीटा, ठीक है तो इसको भी अपन लिखेंगे टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू और ये साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू डी थीटा, ठीक है तो ये हो जाएगा आठ पाई ए स्क्वायर और ये टू आप दोनों का बाहर ले आए, लिमिट जीरो से पाई और अब यहाँ देखिए कोस कितना हो रहा, दो और तीन एक तीन और चार कोस थीटा बाई टू और ये साइन थीटा बाई टू, ठीक है डी थीटा। अब यहाँ थीटा बाई टू को आप कुछ लेट कर लें, ठीक है थीटा बाई टू इक्वल टू आप कुछ फाई ले लें तो ये हो जाएगा डी थीटा इक्वल टू टू डी फाई और उस केस में आपके ये 32 पाई ए स्क्वायर और लिमिट जो है आपके, देखें आप थीटा इक्वल टू जीरो तो फाई जीरो, थीटा इक्वल टू अगर पाई तो फाई इक्वल टू पाई बाई टू, ये आपके पाई बाई टू और ये हो जाएगा कोस फोर फाई साइन फाई और इस चीज़ को अपन फाई, इस चीज़ को हम ये जो टू है वो भी आपके आगे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप जो अपने उससे करते हैं कौन सा याद करो, गामा फंक्शन है ना, गामा फंक्शन आपको पता होगा सेम कंडीशन बनती है जीरो टू पाई बाई टू साइन एम थीटा कोस एन थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा एम प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन अपॉन टू, ये भी गामा और ये भी गामा अपॉन टू इंटू एम प्लस एन प्लस टू अपॉन टू,
ये आपको पता है फॉर्मूले का, तो इससे आपके फाइनली जो आंसर आएगा, इसलिए मैं इसको पूरे को सोल्व नहीं कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा आपके 32/5 ए मतलब पाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये टू इसके अंदर सोल्व करोगे तो ये वाला आंसर आएगा इसका। यानी जो मैंने कॉमन चीज़ें जो होती है मैंने बता दी है, ये मैं प्रोसेस से बता रहा हूँ इसलिए देर लग रही है, लेकिन सीधी सीधी बात है, आपको ds/dθ की वैल्यू याद रखनी है मतलब फॉर्मूला, और उससे आप पहले तुरंत इसकी जगह ये बना करके ds/dθ और उसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर लें, और उसके बाद में आप आराम से ये लास्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, लंबा अगर प्रोसेस पता है तो आप छोटा वाला भी आसानी से कर सकते हैं, और यही आपका प्रश्नीय क्षेत्रफल वाला जो मामला है वो आपको मैंने इस तरीके से बता दिया है। पूरा कंटेंट आप समझे ताकि आपका इसका जो भी क्वेश्चन आए वो इजी में आप सॉल्व कर सकें। एक क्वेश्चन और रह गया था, वो क्वेश्चन है साइक्लोइड वाला चक्रज, और चक्रज दो तरह के लिए मैंने कर्व ट्रेसिंग के अंदर भी और इसके अंदर भी आप देखें, यानी एरिया के अंदर भी वॉल्यूम के अंदर भी, तो ये x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा, और दूसरा है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा। मतलब आप देखिए प्लस और माइनस दोनों में एज इट इज सेम है, खाली ये डिफरेंस है प्लस माइनस का, बाकी ये वाला y वाला जो है वो एज इट इज है। अब इसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन बनते, ध्यान देना कि जो साइक्लोइड है ये वाला आपका जो चक्रज है, ये चक्रज या तो इसका जो ये आधार है इस आधार के अबाउट रिवॉल्व करे, या फिर ये इस एक्स अक्ष के अबाउट रिवॉल्व करे, दो कंडीशन बन रही, और यही यहाँ पूछा है कि आधार के परितः परिक्रमण करे और दूसरी बार एक्स अक्ष के परितः परिक्रमण करे। तो ऐसी कंडीशन में, दोनों कंडीशन में जो अलग अलग ठोस घनाकृति बनती है, ठीक है ना, तो उस उन दोनों ठोस घनाकृतियों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस है, खाली ध्यान रखना है यहाँ अगर इस चक्रज पर कोई पॉइंट जैसे मान लो पी यहाँ ले लिया जाए, ठीक है, तो ये पी एक्स वाई है और उस कंडीशन में आपके ये जो पी एम है, मान लो इधर ले लिया पी, तो पी एम जो है वो आपके मतलब ये पी पॉइंट कहीं यहाँ लिया है ना, यहाँ तो आ ले ला कोई बात नहीं, ये पी, तो ये जो पी है, ठीक है, तो यहाँ पर पी एम जो बनेगा वो आपके 2a-y बन जाएगा, और फिर फॉर्मूला आपका एरिया इक्वल टू 2 0 to π 2π pm ds। और अब आपको पता है कि 4π ये 2 तो वो 0 से 2π होता है, इसलिए उसका 2 बाहर लेकर के ने यहाँ 0 से पाई कर दिया और डबल कर दिया। अब इसके अंदर देखो आप pm तो हो गया आपके 2a-y, और ds जो है वो ds/d किसका थीटा के रेस्पेक्ट है, तो थीटा, और ये डी थीटा। अब आप देख लो हमारा काम क्या बचा, एक तो मैं y की वैल्यू पुट करनी जो यहाँ पर ये है, और दूसरा ds/dθ निकालना, ये हमारे पास में सीधा सा है ना, ds/dθ इक्वल टू r² + dr/dθ का होल स्क्वायर रूट, ये आपको पता ही है। इससे आप आराम से ds/dθ निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास में r भी है, मतलब r क्या, ये थीटा में ना, तो आप इसमें ये इसमें काम नहीं आएगा, यहाँ ये पैरामेट्रिक है ना, ये इसमें काम नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये इसमें काम आएगा dx/dθ और dy/dθ इन दोनों का स्क्वायर और ये रूट, ये वो चाप वाले के उसके लिए काम आता है, यहाँ जब ये पैरामेट्रिक था तो पैरामेट्रिक अपन ये यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब ये वैल्यू जैसे इससे आएगी अपन यहाँ पुट कर लेंगे, ये आपको पता है डिफरेंशिएशन करना आपको आता है, ठीक है, यहाँ कर देंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करना, वही रख देना। मैं जो क्योंकि बाकी के क्वेश्चन में जो प्रोसेस जो होता है मैंने बाकी क्वेश्चन में पूरा करके बताया आपको, यहाँ मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं डायरेक्ट इसके आंसर लिख रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, जिसे आप सोल्व करोगे 64/3π a² इसका आंसर आएगा। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यहाँ चाहे आपका ये कर्व हो और वो कहे कि आधार के परितः परिक्रमण करें,
मतलब ये कर्व लेकर के और ये दो कंडीशन, फिर ये कर्व लेकर के भी दो कंडीशन, यानी यहाँ एक तरह से कुल चार क्वेश्चन हो गए हैं। हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दो कंडीशन और दो क्वेश्चन, दोनों ही कंडीशन में और दोनों ही क्वेश्चन में आपकी सरफेस एरिया सेम आएगा, ये मैं आपको इसके अंदर बताना चाह रहा हूँ। कैलकुलेशन आपको पता है, इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं किया है, बाकी वाले क्वेश्चन में पूरा कर दिया है। तो ये इसके अंदर ये जो साइक्लॉइड वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं और ये आंसर आपको 64.3 pi a² देगा है सरफेस एरिया। यानी लगभग हर क्वेश्चन के अंदर कर्व फिक्स है और उसका प्रोसेस फिक्स है, उससे बाहर आपको जाना ही नहीं है। तो उसके बेस पे आप ये साइक्लॉइड वाला क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं, सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पीछे वाले फिर से देखें, रिवाइज कर ले, आपको तुरंत पता चल जाएगा और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स।